चलिए हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो अभी तक जो आपको लिमिट का हम रिवीजन करा रहे थे वो ट्वेल्थ का कोर्स का रिवीजन करा रहे थे। ट्वेल्थ का आप दो तीन दिन अगर आप बनाए होंगे सिलेबस तो आप थोड़ा बहुत हाथ में आ गया होगा। अब आगे का टॉपिक हम यहाँ से स्टार्ट करते हुए, ठीक है, अब इस टॉपिक को हम अगला स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हम कुछ कुछ टर्म्स जो आपको कंपटीशन सेक्शन के लिए जरूरत है, ठीक है, तो ज्यादा दिन में थोड़ा थोड़ा उसका यूज करते हुए सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, तब आगे चैप्टर में ले जाना है। तो उसी क्रम में आज आपको हम एक क्वेश्चन शुरुआत करने जा रहे हैं कि रोल ऑफ द एक्सपेंशन इन फाइंडिंग द लिमिट्स, ठीक है। कुछ एक्सपेंशन का रोल इन लिमिट को फाइंड करने में, रोल ऑफ द एक्सपेंशन, मतलब आज की हेडिंग यही हो सकता है कि रोल ऑफ द एक्सपेंशन इन ऑर्डर टू फाइंड द लिमिट्स, ठीक है। लेकिन उसके शुरू करने के पहले देखो, तो ये क्वेश्चन आपको बनाने अगर हम दें अभी, तो आप बना लीजिएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x, ठीक है, 1 प्लस 3x रूट अंडर 1 प्लस 2x और बाय 5x, ठीक है। अगर आप आपको हम ये क्वेश्चन दे तो बना लीजिएगा, अब कहेगा नहीं तो इसी वाला क्वेश्चन है तो बहुत हो गया सर, बोर कर रहे हैं, अब एक ही क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये ना बोलेगा, बना तो दीजिएगा ही, नो डाउट, बहुत बढ़िया है। लेकिन अब जरा सा क्वेश्चन को हम इस प्रकार से चेंज कर देते हैं, ये तो सभी बन जाएगा। अब जरा इस टर्म्स को देखो, ठीक है, यहाँ पर तो स्क्वायर, समझ में आता है ना, बस स्क्वायर रूट है, पावर 1/2 मिलेगा, ये हो गया। अब यहाँ पर चेंज कर दिए पावर, क्या अब आपसे बन सकता है सवाल, क्या अब ये सवाल आपसे बन जाएगा, दिस इज, ठीक है, स्क्वायर रूट है और ये क्यूब रूट से, ठीक है। तो अब इसको सवाल आप कैसे बनाएगा, अब इसमें रसोलाइज लगेगा नहीं, फिर आप बढ़ाएगा तो बढ़ाएंगे कैसे, तब यूज शुरू होता है एक्सपेंशन का। अरे बस आपका एक्सपेंशन जो 11 में कुछ एक्सपेंशन आपको पढ़ना था, 3 इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन के रूप में, लॉगरिथमिक सीरीज, एक्सपोनेंशियल सीरीज, ठीक है, बात या बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, साइन एक्स का, कॉस का, इनवर्स का, हम बोर्ड पर यहाँ पर कुछ सीरीज आपको लिख के रखे हैं। अरे बस अब आप उस सीरीज का इंपॉर्टेंस समझिए और अब सवाल आसानी से डिस्कस कर सकते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है। बस जैसे ये आपका सीरीज, पहला सीरीज देखो, बायनोमियल का एक्सपेंशन में 1 प्लस एक्स का पावर एन, एक्स काफी छोटा होना चाहिए, यहाँ टेंस तो 0 है तो छोटा तो है ही, तो हम इसी बात का फायदा इस क्वेश्चन में ले सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 3x होल टू द पावर 1/2 और 1 प्लस 2x होल टू द पावर 1/3 और ये हो गया 5x, अटिक बस। और अब आप इस टॉपिक को डिस्कस कर जाइए तो मैथ आसानी से बन जाता है, बोलो अब बनाएगा ऐसे, तुम्हारे पास ये इनफाइनाइट सीरीज है, इनफाइनाइट टर्म तक जा रहा है, लेकिन हम उसका मेनली मोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 या 3 टर्म यूज हो सकता है, 3 जने, अब जगह नहीं था, 2 या 2 लिख दिए, लेकिन आपको हम जो आप इसका फोटो करा के भेज देंगे उसमें आपका 3 ज्यादा टर्म दिखा सकता है, लेकिन 2 टर्म तो हम ज्यादा से बढ़ा कर रखिए। 1 प्लस एन एक्स, देखो ये एन का वैल्यू कितना 1/2 और एक्स की जगह पर कितना है 3x, तो ये इसमें गुना, तो 1 प्लस हाफ गुना 3x यानी कि 3x / 2, बस काफी है, डॉट डॉट, बाकी नेग्लिजेबल, बाकी नेग्लिजेबल, ठीक है। और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया 1 प्लस 2x / 3 डॉट डॉट, बाकी नेग्लिजेबल, भूल जाओ, ठीक है, बस ब्रैकेट खोलो तो 1 कैंसिल, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आ गया 3x / 2 और 2x / 3, x कॉमन, दिस इज 3 / 2 - 2 / 3, ठीक है, 3/2 और 2/3 और x, x से x कैंसिल, ऐसे मिल जाएगा 9 - 4 यानी कि 5/6, सो आंसर इज 5/6। अब अगर ये एक्सपेंशन नहीं रहता तो ये सवाल हम लोग से नहीं बनता, तो एक्सपेंशन को थोड़ा याद कर लीजिए, एक्सपेंशन से फायदा आपका, ठीक बस। तो बोलो समझ में आ गया, सो मैंने ना बात एक बार देख लिया था, बस एक टाइम काफी था, एक्सपेंशन एक तो देखे काफी हो जाएगा। लो ये सवाल एक बार देखो, अब तुमको इंपॉर्टेंट समझ में आ रहा हो कि हम इसका रोल्स पे क्या आता है, ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन से रखे हैं एक्सपेंशन से रिलेटेड, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 log, दिस इज 1 प्लस 2h, ठीक है, और 2 log 1 प्लस h और बटा में क्या हो गया h स्क्वायर, ठीक है, log 1 प्लस h स्क्वायर। लो अब ये सवाल बनाओ, तो प्लेन एक्सपेंशन पर आया, जरा सा मेहनत नहीं, सीरियसली एक्सपेंड कर दीजिए तो आंसर बना सकते हैं, ठीक है, जरा सा एक्सपेंड कर दीजिए तो सवाल आसानी से बन जाएगा, अब इस पे है ही क्या, तो प्लेन क्वेश्चन से ऐसे ऐसे बना सकते हैं, बन जाएगा ना, एक्सपेंशन लगा दो, लॉग 1 प्लस एक्स, लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था हम लोग के पास, लॉग 1 प्लस एक्स, देखो ये वाला, ठीक है, एक्स की जगह पर क्या आया 2h, तो लगाइए 2h, अब माइनस 2h का होल स्क्वायर, ठीक है, बस लॉग 1 लॉग का होल स्क्वायर / 2,
डॉट डॉट डस दो काफी रहता है, और ये वाला तुम्हारे पास क्या हो गया, दिस इज टू, टू बाहर में रहने दीजिए, लॉग वन प्लस एच, एच माइनस एच स्क्वायर बाई टू प्लस एच क्यू बाई थ्री, ऐसा चलता है, लेकिन दो तो काफी रहेगा। हट एक बस 81 क्वेश्चन में दो एटो में काफी हो जाएगा, अगर ध्यान से ब्रैकेट खोलो तो 2h और 2h कैंसिल, क्या क्या बच गया, लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हो गया 4h स्क्वायर बाई टू माइनस 2h स्क्वायर, और ये आपका माइनस माइनस प्लस 2h स्क्वायर बाई टू यानी कि h स्क्वायर, बाकी नेग्लिजिबल, बड़ा बड़ा। सो ये बड़ा माइनस एच स्क्वायर ऊपर हो गया माइनस एच स्क्वायर नीचे एच स्क्वायर, फाइनल आंसर क्या हो गया माइनस 1। तो आपका एक्सपेंशन का फायदा आपको दिखने लगा होगा कि एक्सपेंशन का बेनिफिट है, आप इसके आसार पर डिस्कस कर सकते हैं। एक बस देखो तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बन जाए, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0, अगर हम देखें 2ex, 2e का पावर 2 गुना e का पावर x माइनस 3, अटेगा 2e का पावर x नहीं सॉरी देखो ae का पावर x माइनस b और बाय x, अटेगा बाय x, देखो एक क्वेश्चन है ये आपका बाय x बराबर 2, तो क्वेश्चन कहता है कि फाइंड ए एंड बी, ए और बी का मान निकाल दीजिए, अड़ेगा ये क्वेश्चन दिया और कहा कि ए और बी का मान निकालिए, ऐसे सोचता हुआ कि अगर एल हॉस्पिटल से बनाना चाहे तो बन सकता है कि नहीं, तर एल हॉस्पिटल से करके देखो तो क्या आएगा, जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएगा तो ए का ए बाहर ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, ए बाहर ई का पावर एक्स का एक्स, बी का डिफ्रेंसिएशन 0 और नीचे 1 बराबर 2, लिमिट बढ़ाने पर ए ई का पावर 0 बराबर 2 यानी ए बराबर 2, ए तो निकल गया लेकिन बी फंस गया, ए निकल गया बी फंस गया, तो अब आप इसके लिए आपको अब भी निकालना पड़ रहा है, तो फिर एक्सपेंशन का हेल्प लीजिए। देखिए यहाँ पर आप एक्सपेंशन का हेल्प ले लीजिए, देखो ए e का पावर x क्या आ जाएगा 1 प्लस x प्लस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन माइनस b और डिवाइड बाय x बराबर क्या हो गया 2, करेक्ट कर लो कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ, अड़ेगा अगर कॉन्स्टेंट टर्म एक साथ करेक्ट कर लीजिएगा तो क्या आएगा a माइनस b, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा दिस इज ए एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 ए एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और बटा में क्या आ गया x, अटिक बस और बटा में x बराबर क्या हो गया दिस इज 2 है ना आया बस। अब तुम सोचो कि अगर हम लिमिट बढ़ाते हैं तो फाइनाइट वैल्यू 2 तभी ना आ सकता है जब तुम्हारे पास ये वाला टर्म 0 हो, अगर ये वाला नॉन 0 हो जाए यहाँ पर 5 आया तो 5/0 क्या आ जाएगा इंफिनिटी, लेकिन आंसर फाइनाइट है 2 के बराबर है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये वाला a माइनस बी का मान क्या हो गया 0, a माइनस बी बराबर 0 नहीं, a और b आपस में बराबर, सो लिमिट x टेंस टू 0 यहां पर पहुंचे, देख लो बढ़िया से ये वाला 0 हो गया बचा ए एक्स, ठीक है ये वाला 0 हो गया, अब x को डिवाइड कर दे तो क्या बचेगा a प्लस समथिंग सम a प्लस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स बाय फैक्टोरियल 2 एंड डॉट डॉट बराबर 2, लिमिट बढ़ाने से ये सब 0 हो गया, सो a का मान 2 और a का मान 2 तो b का मान भी क्या हो गया 2, क्या आपको बात समझ में आ रहा है, तो एक्सपेंशन का फायदा आपको दिखा रहे हैं कि अगर एक्सपेंशन को भी आपको याद रखना ही है एक्सपेंड कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। देखो एक क्वेश्चन ये भी अटिक बस तुम्हारे पास, अगर हम एक्सपेंशन का हम लोग का मत रहा तो हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आपको एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट याद है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट हम लोग को पढ़ना था ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स, लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू बराबर आ गया तो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है उसमें भी इसका मदद करता है। देखो ये वाला क्वेश्चन, जैसे हमसे कहा जाए कि लिमिट x टेंस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x by x, इसका मान निकालें sin x by x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x by x, ऐसा क्वेश्चन में क्या होगा आराम से sin x by x बराबर 1, ये गलती भूल के रह कीजिएगा, sin x by x का लिमिटिंग वैल्यू होता है 1, लेकिन वो तब जब वो सुरक्षा कवच हट जाएगा, तो इसमें तुम्हारे पास क्या होगा, इसमें भी आपको मदद करेगा एक्सपेंशन, एक्सपेंशन लगाइए, sin x का एक्सपेंशन क्या है तो दिस इज x माइनस x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, केवल 3 नहीं है फैक्टोरियल 3 है, आगे लिखने की जरूरत नहीं बाय x, अभी बस ये आपका x बांट दे, सो लिमिट x टेंस टू 0 ये आपका x बार देंगे तो 1 माइनस x स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 कुछ इस तरह से आया, फैक्टोरियल 3 माइनस x आगे भी छोड़ भी देते तो इतना आया। देखो जब भी अगर याद होगा कि अगर कोई क्वेश्चन में कोई स्पेशल फंक्शन हो यानी सुरक्षा कवच जिसको हम बोलते थे तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत है, सो अगर यहां से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल भी देते हो लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 माइनस
ठीक बस क्या आएगा, लिमिट x टर्न्स टू जीरो माइनस, सो अब आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, देखो वन माइनस एक्स क्यूब दिख रहा है, तो जीरो से कुछ कम, जीरो से कुछ भी कम रहेंगे तो भी क्या होगा, ये तो पॉजिटिव ही ना होगा, ये वाला वन में से कुछ घटवे करेगा और वन में से कुछ घटेगा, कुछ घटेगा और उसका ग्रिड से निकालेंगे तो क्या आएगा जीरो, सो लेफ्ट टर्न लिमिट का मान क्या आ गया जीरो, और राइट टर्न लिमिट अगर जाओगे जीरो से बड़ा, जीरो बड़ा, सो वन माइनस एक्स स्क्वायर बाय सिक्स, जीरो से कुछ ज्यादा, 0.001.1 रखोगे तो 1 में से कुछ घट गया, 1 से कम आ गया, जिसका ग्रेटर से लेयर क्या आया 0, सो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी 0, राइट हैंड लिमिट भी 0, सो लिमिट एग्जिस्ट अ लिमिटिंग वैल्यू इज 0, लिमिट एग्जिस्ट अ लिमिटिंग वैल्यू इज 0, लो अगर समझ में आ गया हो तो ये लो बना के देखो, कॉपी उठा दो कलम उठा जल्दी ले, बनाने जरूरत है बना, दिस इज 10x / x, लो इसको डिस्कस करो, लिमिट x टेंड्स टू 0, अब जल्दी से डिस्कस करो, 2 मिनट वेट कर रहे हैं ना, बनाओ निकाल सकते हैं यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट, जीरो से कम भी रखेंगे तो कुछ जुटी रहा है, स्क्वायरिंग होने का प्लस हो गया, अगर जीरो से कम रखेंगे माइनस 0.1 उसका स्क्वायरिंग तो प्लस ही ना होगा, वन में कुछ बढ़ गया और उसका ग्रेटर साइन निकालेंगे तो क्या आएगा 1, और अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो भी तुम्हारे पास क्या आएगा 1, सो लिमिट एग्जिस्ट और लिमिटिंग वैल्यू इज 1, बोलो दादा ठीक है, आराम से डिस्कशन किया जा सकता है, सो दोनों का दोनों में एग्जिस्ट कर गया, साइन वाला में और टेन वाला में, अब इसी पर एक क्वेश्चन है, अडिक बस एक बार एग्जाम में आया हुआ, लिमिट x टर्न्स टू 0, देखो ये क्वेश्चन कहा कि डिस्कस द लिमिट्स, इसका एग्जिस्टेंस टेस्ट कीजिए, अड़ेगा इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालिए या कहा एग्जिस्टेंस टेस्ट कीजिए, तो बताओ आपसे हो जाएगा, अगर एक 12th स्टूडेंट देंगे तो क्या करेगा, तुरंत आप इसका x और x कर दीजिएगा, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ग्रेटर देन देयर 1, सो आंसर इज 1, और देखते हैं क्या ये सही है, आंसर हो सकता है मैच कर रहा लेकिन तरीका गलत है, ये आपका एक्सपेंशन आप यूज कीजिए sin x का x - x³ / factorial 3, आगे लिखने की जरूरत नहीं, अड़ी बस ये 1 / देखो x, दिस इज x plus x cube by 3 and so on, ठीक है बस, greater than here, आप इसको लेके काट दो, ऊपर नीचे कॉमन लेके काट दो, क्या बच जाएगा 1 minus x square by 6, और ये क्या बच जाएगा 1 plus x square by 3, और greater than here कुछ इस प्रकार का, ठीक है बस, और अब आप limit x tends to 0, 1 minus x square by 6, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3, देखो ऊपर दोनों को ले गया पावर माइनस 1, अडी बस पावर माइनस 1, लिमिट एक्स टेंस टू 0, क्या बचेगा अब बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन 1 प्लस एन एक्स वाला फॉर्मूला, तो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 6 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3, लीजिए यह आपका रिजल्ट कुछ इस प्रकार का आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है नॉर्मल वे में इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है सो लिमिट x टेंस टू 0, अगर आप इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 6 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 3, और इसको गुणा करने से 4 आ जाएगा, पावर 4, x काफी छोटा है तो जितना बड़ा पावर है वो नेगलेक्ट, तो बस इतना ही केवल ले लेते हैं, इतना ही ले लेते हैं, अब बताओ अब तुम्हारे पास क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस इसका एलसीएम लेगा देखो 3, ठीक है एलसीएम लेगा क्या तुम्हारे पास क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6, ठीक है आप बताओ ग्रेडेशन डिजर कितना आएगा, 1 में से कुछ घट रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं तो 1 में से कुछ घट गया, 1 में से कुछ कम का ग्रेडेशन डिजर क्या आएगा 0, और इसका भी क्या आ गया 0, सो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा, आपका आंसर उस समय भी 1 1 दिखा रहे थे लेकिन लिमिटिंग वैल्यू गलत हो जाता, सो इसलिए ग्राफ मतलब एक्सपेंशन को याद कर लेने में फायदा है, एक्सपेंशन याद कीजिए तो आपका सवाल जल्दी जल्दी बन सकता है, ठीक बस तो देखो तो ये सवाल एक बार बता तुमको एक्सपेंशन का महत्व दिखा रहे हैं कि एक्सपेंशन का यूज करते हुए सवाल को आप आसानी से ऑपरेट कर सकते, देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0,
अगर आपको हम दें e 1 प्लस x का पावर 1 बाय x बाय x, तुम विशाल पर अगर सिंपल चाहो तो बनेगा नहीं, एलोस्पिटल भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तब तुम्हारे पास क्या होगा, तब रूल तुम्हारे पास क्या होगा, तब एक्सपांशन का फायदा। देखो 1 प्लस x का पावर 1 बाय x, ये वाला एक्सपांशन यूज कर लेता, ठीक है। इस एक्सपांशन को लगा और उसके बाद हम चुटकी में सवाल आपका, ठीक है, चुटकी में आते हुए सवाल आपका बन जाएगा। दिस इज e 1 माइनस x बाय 2 और हायर टर्म इज नेगलेक्टेड, अटेक बस हायर टर्म इज नेगलेक्टेड बाय x। अब हमको बताने की जरूरत तो नहीं है, आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं, इसलिए बहुत ही आसानी से सवाल बन पाएगा इस तरह का क्वेश्चन। एक्सपांशन का फायदा है, एक्सपांशन दीजिएगा तो सवाल बनाया जा सकेगा। अटेक बात देखो, ये एक सवाल देखो, देखो ये आपका एक एग्जाम में आया हुआ, कंपटीशन में ही, इंजीनियरिंग लेवल में ही आया हुआ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ऐसा था, मल्टीपल चॉइस था, मोर देन वन आंसर इज करेक्ट, एम बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इसको आपको डिस्कस करना था, एम का वैल्यू बात करना, छोटा सा बच्चा लेवल का क्वेश्चन, आईआईटी की बात नहीं कर रहा है लेकिन स्टेट लेवल में आया हुआ क्वेश्चन, एम इंटीजर दिया हुआ है और मल्टीपल चॉइस था, ठीक। बस सिंपल सवाल शुरुआत किए, अभी भी वही एक्सपेंशन लगा, एक्सपेंशन तो अभी देखा था, डायरेक्ट मार देते हैं, साइन एक्स बाय एक्स कर देते हैं, sin x by x कर देंगे तो क्या बच जाएगा, m 1 minus x square by factorial 2, ठीक है, factorial 3 and so on, इतने काफी है, factorial 3 मतलब 6, ये देखो m, m minus m, so limit x tends to 0। अब तुम्हारे पास क्या था, ठीक है, यहाँ पर 1 में से कुछ कम, मतलब सिंपल अगर हम ही को मौका मिलता, हम ही को दे दिया जाता तो हम सीधे क्या लिखते, देखो ये m है, ये m में से कुछ घट रहा है, m में से घट रहा है, मतलब एकदम लापरवाही से कोई बनाए तो क्या बनाएगा, सोचेगा m इधर आ गया, 1 में से कुछ घट गया, 1 में से कुछ घट गया तो घट इसलिए 0 और आंसर ले जाता है 0, ये लापरवाही हुआ, हम लोग तो करेंगे नहीं इस तरह का, ठीक है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, m से गुना किए, m माइनस m x स्क्वायर बाई 6, अरे बस x काफी छोटा है तो अगर घटाए तो m में से कुछ घट गया तो आंसर इज m माइनस 1, हम लोग इस तरह का लिख के आते, ठीक है। ये विश्वास करो ये आंसर सही भी है, 100% सही है लेकिन अधूरा है, और उसमें मल्टीपल चॉइस था, ऐसे जनरली रहता नहीं है लेकिन उसमें मल्टीपल चॉइस दिया हुआ था, उसमें दो केस था, पहले ऑप्शन के हिसाब से दो केस था, m का वैल्यू 0 से बड़ा और एक बार m का वैल्यू 0 से छोटा, तो दो अलग अलग आंसर था। अब तुम खुद सोच सकते हैं, अगर मान लो m पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तुम्हारे, जैसे 5 है, 5 5 में से कुछ घटा दिए, m का वैल्यू 5 है, 5 में से कुछ कम रखेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, 4 आएगा, मतलब m माइनस 1 के बराबर आएगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर m एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए, m एक नेगेटिव इंटीजर हो जाए, जैसे कि मान लो m का वैल्यू है माइनस 5, थोड़ा देर में देख लो, माइनस 5, माइनस 5 में से कुछ और घट गया, अरे बस m का वैल्यू तुम्हारे पास क्या था, ये आपका माइनस 5, माइनस 5 में से कुछ और घट गया, तब स्थिति क्या हो, ठीक है। बात पिछला प्लस वाला में क्या था, 5 में से कुछ घटा तो इसलिए हम लोग सीधे 4 लिख दिए, m से एक कम करते हुए m माइनस 1, लेकिन यहां पर पहचानो माइनस 5 है, माइनस 5 से कुछ कम गया, माइनस 5 से कुछ कम गया, यानी क्या हो जाएगा, माइनस 5, अटिक बस। तो सोच के देखो क्या आंसर दे दिया था तुम्हारे पास, क्या हो गया, माइनस 6, यानी कि ये वाला जब प्लस रहा 0 से बड़ा तो m माइनस 1 और अगर 0 से छोटा तो m, ठीक बस, तब तुम्हारे पास क्या, जो भी इंटीजर है, देखो m मतलब m का वैल्यू तुम्हारे पास कितना आएगा, माइनस 6, यानी कि m माइनस 1, अटिक बस m माइनस 1, उसमें भी वही आ रहा है, m का वैल्यू पॉजिटिव लेने पर तुम्हारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव लिया, जैसे वो ऑप्शन दिया हुआ था प्लस 1 और माइनस 1 करते हुए, ठीक बस, एक में m भी दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास दोनों स्थिति में क्या आ रहा है, m माइनस 1, अगर m का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं तो 4 आ रहा है आंसर, अगर माइनस 5 ले रहे हैं तो माइनस 5 माइनस 1 यानी कि माइनस 6 आंसर आ रहा है, ठीक है। मैंने इसको ध्यान रखोगे, मल्टीपल चॉइस था, लगता क्वेश्चन कुछ इधर कुछ अलग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन कुछ इसी तरह का डिस्कशन करता हुआ क्वेश्चन दिया हुआ था, शायद इनवर्स रहा होगा, ध्यान नहीं था, लेकिन तो इस तरह का क्वेश्चन था आपका, आप डिस्कस कर लीजिएगा, तो एक्सपांशन का फायदा है, ठीक है। अब तुमको एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिखाते हैं, ठीक है, एक्सपांशन पर ही बेस्ट, देखो एक बार आगे एक्सपांशन पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन, ठीक है, कोई क्वेश्चन है एक्सपेंशन पर बेस्ट करता हुआ, ये देखो अटेगा 1 माइनस, जैसे हम लोग बात करें लिमिट x टेंस टू 0,
वन माइनस रूट अंडर कॉस टू एक्स, रूट अंडर कॉस टू एक्स अड़ेगा थ्री, दिस इज कॉस ऑफ थ्री एक्स, ये हो गया फोर, और रूट अंडर कॉस रूट माइनस वन में फोर्थ पावर है, और ऐसा ऐसा एन कॉस एन एक्स बाय एक्स स्क्वायर। अब देखो ये क्वेश्चन, ठीक है, तुम बजाज मेरा सवाल ही नहीं कि तुम इसको हिम्मत भी दिखा सको, ये वो क्वेश्चन है जो तुम पहले बार देख के हिम्मत छोड़ दो, हमसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, तुम इस क्वेश्चन का तुमको बता रहे, ये क्वेश्चन है जिसको देखो और कहो हमसे नहीं बनेगा, जबकि बजाज मेरा इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन विद इन ए मिनट बनने वाला क्वेश्चन है, देखना चाहोगे, देखो इतना छोटा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे पास क्या है इसको पहचानो, ये आप पहले सीरियस पर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, वन माइनस कॉस टू एक्स पावर कितना वन बाई टू, गुना वन माइनस ये सॉरी कॉस थ्री एक्स पावर कितना वन बाई थ्री, अड़ेगा कॉस ऑफ फोर एक्स पावर वन बाई फोर, ये तुमको समझाने के उतना लिखना पड़ रहा हमको, वन ये हो गया कॉस ऑफ एन एक्स अब पावर वन बाई एन और बड़ा एक्स स्क्वायर, केवल तुम इसका एक्सपेंशन लिख दो, सवाल आपका बन जाएगा, cos x का एक्सपेंशन क्या था वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, एक्स की जगह पर टू एक्स है तो टू एक्स का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल टू, फैक्टोरियल टू माना टू, अटी बस वन माइनस इतना, ये देखो ऐसा ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया वन माइनस कॉस थ्री एक्स का वन माइनस थ्री एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू, ठीक है बस ये वन माइनस फोर एक्स का होल स्क्वायर बाय टू एंड सो ऑन वन माइनस एन एक्स का होल स्क्वायर और फैक्टोरियल एन, ठीक बस और बट्टा में एक्स स्क्वायर, बोलो क्या था, ठीक है इसका पावर कितना था हाफ, इसका पावर वन बाय थ्री वन बाय फोर और वन बाय एन, आप बाइनोमियल वाला एक्सपेंशन लो, देखो डबल डबल एक्सपेंशन है, फिर लगाओ ये वन बाय टू पहले वन बाय टू पहले, बताओ कितना हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो वन माइनस ब्रैकेट के अंदर ये वाला टू पहले सो वन बाय टू और ये वाला क्या हो गया था टू एक्स का होल स्क्वायर बाय टू, नहीं लिखते दिस इज वन माइनस वन बाय थ्री एंटर थ्री एक्स का होल स्क्वायर और बाय टू अटी बस कुछ इस तरह से एंटर तक और बटा में क्या हो गया एक्स स्क्वायर, ठीक बस अब तुम इसको ध्यान से केवल करेक्ट कर लो तो आंसर हो सकता है, बताओ यहाँ तक ठीक है ना, कुछ नहीं किया केवल कॉस का एक्सपेंशन डाले और बाइनोमियल एक्सपेंशन डालने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसको गुना करो, ये देखो यहां पर ध्यान से देखो क्या आ जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो और ये वैल्यूज हो गया वन, ये ध्यान से देखिए ये टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है जो कटता कटना नहीं कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है हमें वन माइनस वन बाई टू एट काट देते हैं वन बाय टू क्या आ जाएगा टू एक्स स्क्वायर बाय टू, एट और टू काट दिए टू बचा ना वन बाई टू टू एक्स स्क्वायर, चलो यहां तो ठीक है कोई खास कारण नहीं ऐसे सब में लास्ट में करेक्शन में सुविधा होता है, देखो एक टू कट गया सो क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाय टू और ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर देखो ऐसा डॉट 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 क्या आ जाएगा वन माइनस वन बाय टू एन एक्स स्क्वायर और बाई एक्स स्क्वायर, अब इनको गुना करने का बारी है अड़ी बस अब इनको गुना कर देखने में बोले प्रैक्टिस नहीं रहा तो भाई कितना बड़ा गुना है, लेकिन आप सोचो अगर कभी तुम इस तरह गुना नहीं किया वन माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और ये हो गया वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर तो रूल्स पे क्या होता है वन लिखो फिर माइनस फाइव एक्स स्क्वायर और ये जैसे प्लस माइनस में सब माइनस कॉमन लेके जोड़ते चल जाओ थ्री एक्स स्क्वायर, ठीक है तब ना आगे आएगा, ठीक है मान लो यहाँ पर एक ठोर रहता वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर तब भी क्या होता वन लिखाएगा, ठीक है उसके बाद फाइव एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर सब जुड़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है बस तब ना गुना की बात है, अब यहाँ पर यही बात हम लोग करते हैं सो लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, देखो गुना कर रहे हैं ब्रैकेट डालते हुए चल रहे हैं अभी तक जैसे वन अड़े बस अब हम जब गुना कर रहे हैं तो वन बाई टू अब देखो यही था वन बाई टू इसलिए नहीं गुना किए थे एक्स स्क्वायर भी सब में कॉमन सब एक्स स्क्वायर बाई टू कॉमन क्या बच जाएगा टू प्लस थ्री प्लस फोर से लेकर कहाँ तक टेन तक आगे जो गुना करने पे स्क्वायर आएगा सिक्स पावर फोर आएगा सिक्स आएगा सब का सब नेग्लिजेबल नेग्लेक्ट आगे नेग्लेक्ट ये देखो एक्स स्क्वायर अब आपको आइडिया मिल गया होगा ब्रैकेट खोलोगे तो ये वन और वन कैंसिल माइनस माइनस प्लस और लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो सो क्या आ गया दिस इज एक्स स्क्वायर बाई टू दिस इज टू प्लस थ्री फोर से लेकर एन तक और बटा में आ गया एक्स स्क्वायर कैंसिल अब इसका सम तो आप जानते ही होंगे,
ठीक बात समझाता रहिए, वन से लेकर एन तक का सम फॉर्मूला याद है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू क्या आ जाएगा, दिस इज एन इंटू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन, जीरो दो से शुरू है ना, और बटा में टू प्लस, सिंप्लीफाई करते हुए आंसर लिख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगेगा, मैंने बहुत ही बेनिफिट है कि आप एक्सपांसन का यूज कर लीजिए। अड़ेगा एक्सपांसन का यूज कीजिए तो सवाल कंफर्टेबल वे में बन जाएगा और आसानी से सवाल बनाया जा सकता है। बोलो बात समझ रहे सभी, तो ये आपका एक्सपांसन है, हम कोई सवाल भेजेंगे तो मन लगा के ईमानदारी से प्रैक्टिस करोगे, हम लोग के पास सेकंड चांस नहीं है, ना ही हम लोग के पास दूसरा भेजेंगे, हम तीन दिन उसको रिवाइज करते रहेंगे, एक बार दिमाग में बैठे कि हाँ एक्सपांसन याद कर लिया और ये मेरा 10 क्वेश्चन मेरा हो गया, हम उसको बना पाए ना बना पाए, अगला बार बनाए नहीं बनाए, लेकिन हम एग्जाम में जरूर बना देंगे। तो ये आपका प्रोसेस है, तो ये पहला प्रोसेस इस प्रकार का, ठीक है। देखो अगला कुछ है, रूल तो नहीं बता सकते, बताना है हमको, ठीक है। अगला कुछ है, रूल नहीं, तब भी एक दो छोटा सा कंसेप्ट को दिखाते हुए चलते हैं। कंसेप्ट देखो, एक मिस्टेनियस क्वेश्चन दिखा रहे हैं, ठीक है, एक मिस्टेनियस क्वेश्चन हम तुमको दिखा रहे हैं। जैसे कभी कभी ना क्वेश्चन में क्या देगा कि nth टर्म का रिलेशन, nth टर्म का वैल्यू, n प्लस वन है या n प्लस माइनस, ठीक है, प्लस आगे पीछे का दो टर्म के साथ कोई रिलेशन दे देगा और कोई लिमिटिंग वैल्यू निकालने कहेगा, या कुछ क्वेश्चन में तुम्हारे पास उसी में कुछ टर्म और जोड़ के तब लिमिट निकालने का क्वेश्चन कहेगा, ठीक है। तो सवाल कैसे बनाते हैं, तो ये थोड़ा अलग तरह का चीज है, इसका कोई फिक्स रूल तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन तब भी हम कोशिश करते हैं कि कुछ हद तक उसको सॉल्व किया जा सके। देखो अगर तुम्हारे पास nth टर्म और n प्लस वन या n माइनस वन टर्म में कोई सीधे डायरेक्ट रिलेशन दे दिया और सीधा कहा जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट इंफिनिटी, तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना, सीधे रिलेशन में लिमिट लगा दो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, देखना जाएगा क्या बोल रहा है। जैसे ये देखो एक फंक्शन दे दिया, फंक्शन क्या कहा कि एक फंक्शन है, एक सीरीज है जिसमें इस तरह का रिलेशन है ए एन बराबर, दिस इज ए एन प्लस वन बाई टू, जैसे मान लो ऐसा दे दिया और कहा जाए डायरेक्ट आपसे कहा जाए कि लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन का मान निकाल दीजिए या ए एन प्लस वन का मान निकाल दीजिए, समझ रहे, बस इसका डायरेक्ट इसका मान निकाल दीजिए। तो तुम सिंपल सा देखो ये सवाल क्या है, तुम कोई रूल कोई ट्रिक कोई टेक्निक खोजना शुरू करो तो दिक्कत कर रहे, कुछ ट्रिक नहीं का, हर जगह टेक्निक की बात नहीं है, इसको तुरंत मान लो कि मान लेते हैं कि इसका इनफाइनाइट लगाने पर इसका वैल्यू कितना आता है एल, मान लो वैल्यू लगा एल, क्या ये बात समझ रहा है। अब इसी लेसन में लिमिट लगा दोनों तरफ लिमिट लगाते हैं अपने से, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए का पावर एन, एक सिंबल एन प्लस वन, और ये हो गया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन बाई टू, तो इस तरह का चीज कर सकते हैं। बस अब तुम खुद से देखो, ये बेस में जुड़ा हुआ नहीं है, अलग है, ठीक है। अब तुम्हारे पास ए एन का वैल्यू कितना था एल, एन प्लस वन का वैल्यू क्या होगा एल ही ना होगा, अरे इन्फिनिटी में दो जोड़ दिए, तीन जोड़ा दे, पांच को जोड़ दे, कब रख पड़ता है इन्फिनिटी, यानी ये लेफ्ट साइड का वैल्यू क्या है एल, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ये जो वैल्यू है वो भी तुम्हारे पास क्या है एल प्लस वन बाई टू, एल प्लस वन बाई टू, लिमिट अब नहीं लिखे चले हट गया, सो एल बराबर क्या हो गया, दिस इज एल प्लस वन बाई टू, ठीक है, क्या अब इससे आप एल ही निकाल लोगे, सो एल स्क्वायर दिस इज एल प्लस वन बाई टू, ठीक है, एक तरफ ले जाओ, सो क्या हो जाएगा, दिस इज टू एल स्क्वायर माइनस एल माइनस वन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया जिससे आपसे सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। बस तो एकदम ध्यान रखना कि इसमें अगर तुमसे कोई रिलेशन देके डायरेक्ट ए एन एफ एन एफ एक्स का वैल्यू मांग रहा है तो आप डायरेक्ट लिमिट लगा देना, ठीक है, डायरेक्ट लिमिट लगा देना। जैसे एक और क्वेश्चन तुम देख लो, जैसे ये हम बोल रहे हैं, ठीक है, जैसे हम तुमसे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक रिलेशन है कि थ्री फंक्शन ऑफ एक्स बराबर, ठीक है, बस या फाइव एफ एक्स बराबर, ठीक है टू, ठीक है देख लो बना से क्या हो सकता है, जैसे फाइव एफ एक्स बराबर टू फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वन, और ये हो गया वन बाई फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टू, और आपसे कहा जाए कि लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एफ एक्स का मान निकाल दीजिए, एफ एक्स का मान निकाल दीजिए, तुम देख सकते क्या लिख रहे हैं, मतलब आपको डायरेक्ट एफ एक्स का ही वैल्यू इनफाइनाइट पॉइंट पर निकाल देना है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू नहीं दिया, फंक्शन के बीच में रिलेशन निकाल देना है इनफाइनाइट पॉइंट पर। तो इस तरह का क्वेश्चन में आप डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, मान लेते हैं इतना बराबर क्या है एल, लिमिट लगा दो, तो इधर तुम्हारे पास लिमिट लगाते तो कितना हो जाएगा, दिस इज फाइव एल, यहां पर कितना हो जाएगा टू एल, और यहां पर क्या हो जाएगा वन बाय एल, वन बाय एल, तो क्या आप इसको सॉल्व करके एल का मान निकाल सकते हैं,
सिंपली सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा जी, 3L बराबर, दिस इज 1 बाय L, यानी कि 3L स्क्वायर बराबर 1, सो L का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो फायदा ध्यान रखना काम कर सकता है, बहुत ही अच्छा चीज है, ठीक है, हर बार ऐसा तुक्का नहीं लगता लेकिन काम का चीज है। हम क्या बोल रहे हैं, अगर रहा तो, लेकिन अगर कभी कभी साथ में कुछ और फैक्टर रहेगा, जैसे ये एक क्वेश्चन देखो, देखो एक्स वन का मान क्या दिया हुआ, रूट थ्री, और एक्स एन प्लस वन बराबर क्या हो गया, दिस इज एक्स एन, और वन प्लस एक्स एन का होल स्क्वायर, ठीक है, बस ये दे दिया। अगर इस क्वेश्चन में हमसे पूछता अभी कि लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी एक्स एन का मान निकाल दी, तो हम वही तुक्का दिमाग फिर लगाते हैं, सोच भी नहीं करते कुछ, कितना आता जी, देखो तो लगा के कितना जाएगा, ये हो गया l और इधर हो गया l और 1 प्लस l स्क्वायर, सॉल्व कर ले आंसर निकाल देते अभी तक, नहीं 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस l स्क्वायर सॉल्व करते और आंसर निकाल देते, जो आता आता। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा, यहाँ के साथ अटैच कर दिया कि नहीं आपको ये वाला वैल्यू निकाल दीजिए, 2 to n और एक्स एन का वैल्यू निकाल दीजिए, और अब आप वो कंसेप्ट नहीं लगा सकते, ठीक बस इस कंसेप्ट में। अब इसका कोई फिक्स रूल तो नहीं कर सकते हैं, कभी गेस करने का जरूरत पड़ सकता है, कभी पुट सब्स्टिट्यूशन का मत लेना पड़ सकता है, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या हो सकता है, तुम देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स हो, साइन एक्स और कॉस एक्स का हो सकता है, टेन एक्स में रिलेशन खो सकते हो, ठीक बस साइन एक्स का या कॉस एक्स का या टेन एक्स का फायदा मिलता होगा, या तुम्हारे पास कभी कभी एक्सपोनेंशियल का फायदा मिल सकता है, तो वो तुमको थोड़ा गेस करना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, तो हमको सबसे पहले अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक्स एन का मान निकालना होगा, तो तुम सोचो क्या ट्रिगोनोमेट्री में कोई ऐसा सोच है, ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म्स ऐसा है जिसमें कि आपका एक्स एन और इस तरह का रिलेशन हमको मिलता है, जैसे 1 प्लस एक्स एन का स्क्वायर, जैसे एक्स एन का वैल्यू तुम साइन पुट करो तो क्या कोई फॉर्मूला मिलेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर है कोई फॉर्मूला नहीं, कॉस पुट करे कोई फॉर्मूला नहीं, ई एक्स पुट करे कुछ नहीं देगा, हाँ 10 देंगे तो 10 में कुछ फॉर्मूला हो सकता है, ठीक है, मेरा बात को और सपोर्ट कर रहा है ये वैल्यूज, रूट थ्री साइन में तो आता नहीं है, आता है लेकिन रूट थ्री साइन में आ ही नहीं सकता है, 1 से बड़ा है, कॉस में आ ही नहीं सकता, बचे 10 का वैल्यू रूट थ्री हो सकता है, तो इसका मतलब सपोर्टिंग में हम लोग का सोच सही डायरेक्शन पर है, ठीक है, बात वो फील हमको आ रहा है कि नहीं 10 का वैल्यू रूट थ्री आ सकता है, इसका मतलब 10 की ओर प्रोसीड करना है, तो हम इसी बात का फायदा लेते हुए शुरुआत करते हैं, लेट एक्स एन बराबर 10x का पावर n, 10xn सिंबल डाल देते हैं, तो देखो तो यहां पर बढ़ाने से क्या मिलेगा, xn plus 1, ये वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो गया 10xn, और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर, अटेगा 10 स्क्वायर xn, xn सिंबल है और कुछ नहीं है, xn plus 1 क्या आ जाएगा, दिस इज 10xn, देखो बताओ 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर क्या हो गया, sec स्क्वायर है, sec स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो sec, तो 1 प्लस sec xn है जी, ठीक है, अब ये आपका वैल्यू बताओ, ये आपका 10 को आप लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, साइन एक्स एन नीचे और कॉस कट गया, 1 प्लस कॉस एक्स एन, सेम लेने से अटेगा एक्स एन प्लस 1, आप फॉर्म डालो 2 साइन एक्स एन और कॉस एक्स एन बाई 2, साइन ए का फॉर्मूला 2 साइन ए बाई 2 कॉस ए बाई 2, और नीचे आपका फॉर्मूला आ रहा है 2 cos स्क्वायर एक्स एन बाई 2, ये लो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यानी क्या आ गया 10 एक्स एन बाई 2, ठीक है बस। तो अगर हम 10 एक्स एन को 10 एक्स एन माने तो n प्लस 1 का वैल्यू क्या होता है, एक्स एन बाई 2, मतलब एक टर्म पीछे, और ये तुमको हेल्प कर देगा आपको रिलेशन को पहचानने में, अडी बस टर्म्स का वैल्यू बने, जैसे जैसे ये सिंबल बदल रहा है ये बटा 2 होता चला जा रहा है, एंगल आधा होता चला जा रहा है, अडी बस एंगल आधा होता चला जा रहा है। अगर हम इसी कंसेप्ट पर सोचे तो बताओ, अगर हम x1 को हम लेते हैं 10 अल्फा, तो x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा इसी कंसेप्ट से, क्या एंगल का आधा यानी कि 10 अल्फा बाय 2, x3 का क्या हो जाएगा इसका आधा यानी कि 10 अल्फा का पावर 2, अड़ेगा उसके बजाय x4 का कर्ण वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 10 अल्फा का वैल्यू 2 to the power 3, तो क्या आपको कोई ट्रेंड्स मिला, ध्यान से देखो यहां पर क्या मिला, 1 यानी 2 का पावर 0, 1 लिए तो पावर 0, 2 लिए तो पावर 1, 3 लिए तो पावर 2, मतलब पावर 1 कम, अगर 4 लिए तो 3, तो अब तुम बताओ x का पावर x n लेंगे तो क्या लेंगे, तो 10 अल्फा 2 टू द पावर n माइनस 1, तो लीजिए
ये आपका xn का वैल्यू निकल गया, आपका लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। क्या था क्वेश्चन में, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी 2 टू द पावर n और xn, xn का वैल्यू अभी जस्ट निकाल के लाए अल्फा 2 टू द पावर n माइनस 1। तो आपको बड़ा लग रहा लिमिट पुट करने पर क्या होता है, एंगल का मान 0 आ रहा है, तो जो भी एंगल है जितना भी एंगल है उसी से डिवाइड उसी से मल्टीप्लाई, इसका मान 1, ये आपका काटो काटो ये वैल्यू क्या हो गया 2। So, answer क्या हो गया 2 अल्फा। So, final answer हो गया 2 अल्फा। अब हमको अल्फा चाहिए, तो इसका मान कितना दिया हुआ था रूट थ्री। सो 10 अल्फा बराबर रूट थ्री, तो अल्फा का मान कितना हो गया था पाई बाई थ्री। सो आंसर इज 2π/3। तो आपको बात समझ में आ रहा है, तो आप इस तरह से ट्रेंड्स को पकड़ सकते हो, क्वेश्चंस का ट्रेंड्स को पकड़ने की जरूरत है। देखो तो एक लास्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो खुद दिमाग लगा कैसे बनेगा। देखो क्या दिया, लेसन दिया हुआ, दिस इज एक्स एन प्लस 1 बराबर 1 प्लस एक्स एन बाई 2, ये दिया हुआ ठीक बस। और अगर कहता ये वैल्यू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दिस इज 1 माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर और बटा में है आपका, ठीक है बटा में आपका एक्स 1 एक्स 2 एक्स 3 और एक्स एन प्लस 1 एन प्लस 1 और कहा जाए कि इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकाल दीजिए। अगर अगर ये वाला अभी नहीं रहता, ये नहीं रहता, सीधे हमसे कहता कि लिमिट x टेंड्स टू n टेंड्स टू इनफिनिटी, तो हम सीधे ए वाला दिमाग लगाते, ए वाला दिमाग लगाते, सवाल बन गया होता। लेकिन अब हमको इस हालत में मेहनत करके आपको इन सारा फैक्टर्स का मान निकालना होगा, एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री इस तरह का टर्म्स का वैल्यू निकालना होगा। तो तुम गेस करते, चलो हम लोग तुक्का मारते हैं, तुक्का ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का फायदा ले सकते हैं, एक्सपोनेंशियल का फायदा, यही सब मेरे दिमाग है। तो बता यहाँ पर तुमको क्या लगता है, देखकर तेरा दिमाग में कोई फ्री नहीं आ रहा, क्या आ सकता है, क्या हम क्या पुट कर सकते हैं, एक मिनट दिमाग लगाओ, क्या पुट होने में फायदा है, क्या आपको 10 पुट करें पिछले जैसा, तो 1-10 स्क्वायर है, क्या 1-10 स्क्वायर का कोई फॉर्मूला है, नहीं है, हम लोग के पास कोई फॉर्मूला है, मैथ ब्लॉक कर जाएगा, फिर कोई दिशा दिमाग, तब तेरे पास क्या होगा, ठीक है सॉरी इस टर्म्स का हम लोग देख रहे थे ना, ठीक है बस ये इसमें निकाल, सॉरी इसमें नहीं, इसमें हम डिस्कस करें, इसमें पुट करना होगा, हाँ इसमें अगर हम 10 पुट करते तो 1 प्लस 10x का कोई फॉर्मूला नहीं है, 10 स्क्वायर रहता तो इससे एक स्क्वायर लिख दिए होते, लेकिन 10x है 10x, ठीक बस। तब क्या फायदा, तब साइन पुट कर देखते हैं, 1 प्लस साइन से कोई फॉर्मूला बना बनाया फॉर्मूला तो नहीं है, हाँ बना के चेंज कर सकते हैं, तो उतना कौन मेहनत करेगा, कॉस में देखो कॉस में, तो 1 प्लस कॉस एक्स, देखो 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2, हाँ इसका एक फॉर्मूला अवेलेबल, इसका एक फॉर्मूला अवेलेबल, तो चलो हम लोग पुट कर देते हैं, तो पुट एक्स का पावर एन बराबर दिस इज कॉस एक्स एन, तो वैसे निकालने की कोशिश करते शायद कोई ट्रेंड्स मिल जाए, ठीक है बात, ये वाला क्वेश्चन ट्रेंड्स वाला क्वेश्चन है। सो एक्स एन प्लस 1 बराबर क्या होगा, देखो ये फॉर्मूला हो गया दिस इज 2 cos² x n, ठीक बस 1 cos² का फॉर्मूला 2 cos² a/2 बोला ना है जी, ये वैल्यूज क्या आ गया, दिस इज cos स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, दिस इज एक्स एन बाई 2, हाँ तो देखिए क्या आ गया, एक्स एन में दिए cos x, n प्लस 1 बढ़ाए तो एक पाव बटा में हाफ हो गया, सो बढ़ाने से क्या आ गया एंगल आधा। अब पिछड़े वाला का दिमाग, अब पिछड़े वाला दिमाग आगा, सो एक्स वन अटिक बस एक्स वन का वैल्यू क्या मान लेते हैं cos अल्फा माना जाए, ठीक है बस एक्स टू अटिक बस एक्स नॉट से शुरुआत करा रहा है, तो क्या माने एक्स नॉट को मानते हैं, माने एक्स जीरो को मान लेते हैं अल्फा, एक्स वन का वैल्यू क्या हो जाएगा cos अल्फा बाई 2, कहीं से शुरू करो आधा आधा करते जाना, और क्या दिस इज cos अल्फा बाई 4, अटिक बस ऐसा एक्स एन प्लस वन है, सो क्या आ जाएगा जी, जो भी बोले देखो 0 है तो पावर 2 का पावर 0, 1 तो 1, n प्लस 1 लेंगे तो n प्लस 1 ले लेना। लो अब इस तरह का एंगल आप सब्स्टिट्यूट कर दिए, ठीक है बस ये इस तरह का एंगल सब्स्टिट्यूट कर लिए, तो अब क्वेश्चन में ना, अब तो लेसन मिल गया हम लोग को, अब तो कोई क्वेश्चन में वैल्यू नहीं रह गया, वजह नहीं रह गया, तब भी बड़ा ध्यान से यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला वाला मतलब कितना आएगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफिनिटी रूट अंडर 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और नीचे कितना हो गया x1, ये वाला क्वेश्चन बनाया कभी,
दिस इज अल्फा बाई टू, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, कॉस अल्फा बाई टू क्यूब, अल्फा बाई टू क्यूब मिटा देना अल्फा, ठीक है, इस तरह का रिलेशन में यूज करता हुआ चल जाएगा, कॉस अल्फा बाई टू टू द पावर एन प्लस वन, कॉस अल्फा का पावर टू का पावर एन प्लस वन, ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेता। अब इसको हैंडल करना जानता होगा ना, अब इसको हैंडल करने तो जानता ही होगा, इसमें हम लोग क्या होता है, अगर कॉस में एक फैसिलिटी है कॉस का टर्म्स में कि अगर एंगल हाफ होता चला जाए या एंगल डबल होता चला जाए, एंगल फिर से बोल रहे हैं, एंगल हाफ होता चला जाए या एंगल डबल होता चला जाए, ठीक, बस तो आपका रूल था कि जो सबसे छोटा एंगल होता है उसका साइन लेते हुए डिवाइड और मल्टीप्लाई एक एक करते हुए संभालना, जैसे इसमें सबसे छोटा एंगल कौन हुआ ये वाला, तो इसमें साइन अल्फा बाई टू टू दी पावर एन प्लस वन से ऊपर नीचे गुना, साइन अल्फा बाय टू टू दी पावर एन प्लस वन, ठीक है, इससे ऊपर नीचे गुना, ठीक है, इसमें कुछ टर्म छूट रहा लगता है, टू टू दी पावर एन या एन प्लस वन रहा होगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बस देखो यहाँ अब इसको समेटो, फिर इसके बाद इसको समेट जाओ लगातार इसमें टू 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 टू, ठीक है, नहीं छूटा नहीं, ठीक है छोड़ो, नहीं छूटा वो नहीं था, ठीक है, तो इसको देखो इसमें आपका दो से ऊपर नीचे गुना कर दिए, है कि नहीं, दो ऊपर गुना किए नीचे भी दो गुना किए, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, जानता है समेटा ना, इसको समटाया तो क्या होगा टू टू द पावर एन, ठीक है, इसके बाद आएगा टू टू द पावर एन माइनस वन, एक एक करते हुए समेटते समेटते यहाँ पहुंचेंगे, देखो क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा, रूट से बाहर आया तो साइन अल्फा, साइन अल्फा बाई टू टू द पावर एन प्लस वन, ठीक बस, हाँ कितना परसेंट लगेगा रूल, एक बार लगाए तो कितना आएगा, ध्यान देखो एक बार लगाए, एक बार ऊपर नीचे दो से गुना किया, पहला बार तो टू का पावर एन आ गया, आपको कहां तक पहुंचना है, ठीक है, टू का पावर जीरो तक, एक बार लगाए तो एन आ गया, दो बार लगाए तो एन माइनस वन, इस तरह से सोचो, तो अगर हम जीरो लाना चाहते तो कितना होगा, एक बार में एक घटता है, दो बार में दो घटता है, तो अगर हम जीरो घटाना चाहें तो टू का पावर एन वाला बार आएगा, तो यहां पर फाइनली क्या आ जाएगा, ऊपर में टू का पावर एन और नीचे समेटते समेटते साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कैंसल, और इसमें आपका लिमिट का रूल, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी है, तो जितना भी एंगल है उसी से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई, लीजिए अब तो आपको भी आइडिया मिल गया होगा, अल्फा बाय टू टू द पावर एन और टू टू द पावर एन प्लस वन, ये और ये कैंसिल, इसका वैल्यू वन, सो आंसर इज अल्फा, और इस प्रकार का आप क्वेश्चन बना सकते हैं, बोलो समझ में आ रहा, बस तो हम कुछ क्वेश्चन देंगे, देखो थोड़ा सा सही ढंग से क्लिप करते जाओगे, हम लोग के पास बहुत बड़ा सिलेबस है, बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत है, एक एक क्वेश्चन को एक बार बनाओ और दिमाग में सेट करते हुए चलो, लापरवाही करने से कुछ नहीं मिलेगा, दौड़ेंगे भी लंबा मैराथन और हाथ में कुछ नहीं, खाली लौट जाएंगे हम लोग वहां से, इसलिए बहुत सावधानी से पढ़ते जाओ, एक एक कंसेप्ट को दिमाग में डालो, जैसे हर दिन का एक समरी के साथ समझो, आज आपको हम दो क्वेश्चन सिखाएं, आज आपको हम दो क्वेश्चन सिखाएं, पहला क्या है जो एक सीरीज पर बेस्ट था, तो अब हम लोग सीरीज पर बेस्ट का कोई भी क्वेश्चन ऐसे आज आप घर में बना लो, हम बना लिए होंगे, अगर प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम लोग दिमाग में है कि अगर हम ये सीरीज का बेस्ट कोई भी क्वेश्चन होगा तो हमसे बन जाएगा, दूसरा क्या आज जो डायरेक्ट वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन का मदद लिया जा सकता है या डायरेक्ट लिमिट लगा के क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ठीक है, कल फिर अगला कुछ कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू।